टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। दरअसल अतीक अहमद वो नाम जिससे पूरा पूर्वांचल थर थर कांपता था, जिसे सुनकर पूरा पूर्वांचल कांपता था, लेकिन आज काल का चक्र ऐसा घुमा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली और एनकाउंटर के डर से घिघी बन गई। वहीं अतीक अब एनकाउंटर के डर से न्यायालय में भी गुहार लगाता हुआ नजर आया है, लेकिन अब उसी अतीक को गुजरात के साबरमती जेल को लेने पुलिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस अतीक को सड़क के रास्ते से प्रयागराज लाएगी, जिसमें करीब 36 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन अब अतीक को डर यह है कि कहीं पहले की तरह उसकी भी गाड़ी ना पलट जाए या कहीं एनकाउंटर में उसे भी ना मार दिया जाए, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा बयान दिया। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे, और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट? क्या रॉबर्ट? क्या लाल टोपी पहन के आएगा? क्या बात कर रहे हो आप भी? रॉबर्ट का कमाल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, सैटेलाइट का कमाल है। अरे भाई, पुराने जमाने मॉडल पत्रकार हो। अच्छा ये बताओ पत्रकार साथी, इस सरकार ने कहा कृत्रिम बारिश कराएंगे, याद कीजिए। अच्छा कहां कृत्रिम बारिश हुई? और जिस देश को काम चाहिए हो, जिस देश को हाथ को रोजगार चाहिए हो, आप रोबोट बना रहे हो, आप बताओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप हट जाओगे, आप भी एक खरीद लोगे रोबोट, यहां बैठा दोगे अपने प्रेस की तरफ से। तो वहीं आज अतीक अहमद को अब साबरमती जेल से लाया जा रहा है। माफिया अतीक को प्रयागराज लाने की जिम्मेदारी आईपीएस अभिषेक भारती को मिली है। वहीं आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भाजपा से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद है और भुवन भास्कर जोशी सपा से हमारे साथ मौजूद है, जबकि अंकुर सक्सेना भी प्रवक्ता रालोद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अतीक अहमद को, मेरा पहला सवाल विवेक जी आपसे है, अतीक अहमद को आज साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने एनकाउंटर का डर सताया था और ये कहा था कि उनकी गाड़ी जो है वो पलट जाएगी। मुस्कान जी, गाड़ी अपने आप नहीं पलटती, पलट जाती है जी। होता क्या है, कोई भी अपराधी जब पुलिस की गिरफ्त में ठीक से आ जाता है तो इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप पुलिस के ऊपर करता है। अतीक अहमद कोई मामूली अपराधी नहीं है, 100 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर हैं और इसका अपराधी जगत में एक लंबा इतिहास है, और जिसमें एक से एक ऐसे अपराध हैं जिनकी हम आप यहाँ चर्चा करना भी उचित नहीं समझते। विभस्त मर्डर के तरीके इसके आपराधिक रिकॉर्ड में शामिल हैं, पूरा पूरा एक मदरसा बलात्कार कांड इसके रिकॉर्ड में शामिल है जी, जिसमें जांच हुई तो रिक्शे वालों को फंसवाने का काम किया तत्कालीन सरकार ने। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं इसके फहरिस्त में। इसको आप आदमी में गिनती ना करके इसको आप जीता जागता एक नर पिशाच कह सकती है, और जिस तरह की घटनाएं इसके गुर्गों ने इसके इशारे पे अंजाम दिया है प्रयागराज में, उसमें एसटीएफ के द्वारा इसको उत्तर प्रदेश ला करके पूछताछ करना, सारे लिंक सारे नेटवर्क को खंगालने की बहुत अहमियत है। इसलिए यूपी की एसटीएफ इसको वहाँ से लाने के लिए गई हुई है जी। लंबा सफ़र है, 36 घंटे की यात्रा है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी को बड़ी चिंता हो रही है उसके। एक तरफ कहेंगे कि हमारा अपराधियों से कोई सरोकार नहीं है, अभी अपराधी गाड़ी पे चढ़ा नहीं कि उसके लिए चिंतित हो गए। अभी चिंता अगर हम सवालों में पूछे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जिसलिए आप चिंतित हो रहे हैं,
जिसका समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कोई जवाब न दे पाएंगे। और हम आप एक ऐसे अपराधी के लिए यहाँ चर्चा के लिए बैठे हैं जी। जो समाज के लिए जीता जागता नासूर है। अरे इनको जल्दी से जल्दी यूपी पुलिस ले आए, इनकी पूछताछ हो, इनके मुकदमों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो, ये सजा पाए, अपने कर्मफल को प्राप्त हो। हम सब यही चाहते हैं, समाज से जितने जल्दी इस तरह के अपराधियों का सफाया हो यही समाज के लिए अच्छा है, हर कोई यही चाहता है। ऐसे में इस अपराधी के बारे में इस तरह से चिंतित होना अखिलेश जी का ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो भुवन जी, आपके जो सुप्रीमो है उन पे सीधा तौर पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो अतीत को लेकर चिंतित हैं, और ये भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी भुवन जी, इनकी आवाज ठीक कराइए भाई। हाँ जी भुवन जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी चिंता अतीत के प्रति नहीं है, हमारी चिंता है संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और कानून के प्रति। हम लोग समाजवादी लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ का निर्णय, भारत का निर्णय, उत्तर प्रदेश का निर्णय जो कानून और संविधान है उसके तहत हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कानून को तोड़ के, संविधान को तोड़ के एक नई पारिपाटी की रचना करने का, जो संविधानिक रूप से ठीक नहीं है, हम लोग उसका विरोध करते थे, करते हैं और करते रहे। भुवन जी, जब अशरफ को हत्याकांड में आरोपित होने के बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, कौन से संविधान की चिंता थी आपको उस समय? राजू पाल के हत्याकांड में मुलजिम बनने के बाद जब मुलायम सिंह जी ने अशरफ को समाजवादी पार्टी का दोबारा टिकट दिया था और पूरे समाजवादी पार्टी के आपके गुंडे लग करके उसको चुनाव जिताए थे, कौन सी संविधान रक्षा कर रहे थे आप बताएंगे आप? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। समाजवादी पार्टी तो दुनिया में, वो भी चली गई। समाजवादी पार्टी तो दुनिया में, भुवन जी, इसी के भाई अशरफ को राजू पाल के हत्याकांड के बाद दोबारा समाजवादी पार्टी ने टिकट देके चुनाव लड़ाया था। मुलायम सिंह सड़कों पे पैदल घूम करके वोट मांगे थे, सारे मंत्री आपके जटे थे। चलिए मुलायम सिंह जी आज हमारे आपके बीच नहीं है, आप लोग तो हैं, समाजवादी पार्टी तो है, कौन सी संविधान रक्षा कर रहे थे आप बताएंगे? बताइए, आप मुझसे पूछा तो मुझे जवाब तो दे दीजिए आप जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या उनपे अपराध सिद्ध हो गए थे? क्या कानून के द्वारा उनको सजा मिल गई थी? मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज की डेट में कोई अपराधी समाजवादी पार्टी में है? और जिनकी जिक्र पे आज आप चला रहे बहस, वो किस पार्टी में है, वो किस विचारधारा में है, ये भी तो देखने की आवश्यकता है। प्रदेश और देश को समझ नहीं पा रहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने किसी ऐसे अपराधी को नहीं रखा, सबको बाहर निकाल दिया। तो ये आज की पार्टी के संबंध में, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को इस अपराधी की, भुवन जी यही तो समझ, यही प्रश्न है ना, आपसे रिश्ते भी नहीं है, आपको चिंता भी है, हटाए भी नहीं जाते, दिल लगाए भी नहीं जाते, कानून और संविधान की चिंता में डूबे हैं। कानून और संविधान की रक्षा की है, वो लड़ाई को हम समाजवादी, कौन से कानून और संविधान की रक्षा कर रहे थे जब राजू पाल की हत्या हुई? कौन से कानून में लिखा है गाड़ी पलटी जाएगी? कौन से कानून? भाई अपराधी भाग रहा है, पुलिस के ऊपर हमले कर रहा है, इसका जवाब कानून भागेगा। आपको दर्द किस बात का है? अपराधियों से रिश्ते क्या है? हमने जो प्रश्न, जो हमारा अधिकार है विपक्ष के नेताओं के होते हैं, अपराधियों के बारे में चिंतित होने का अधिकार है। कभी गरीब की, मजदूर की, किसान की, आम आदमी की भी चिंता कर लिया करो। मदरसा कांड में जिनके साथ बलात्कार हुआ था, मदरसा कांड में आपने कभी उन लड़कियों के साथ मिलने की जहमत बोल ली जिनके साथ बलात्कार हुआ था, अतीक के भाई अशरफ ने किया था? हम तो अभी भी देख पा रहे हैं सैगर और चिमेनन किस पार्टी में है, आज है किस पार्टी, बताइए आप किस पार्टी में, राजनीतिक दल में है, किस पार्टी में बताइए, राजनीतिक दल में है सैगर, किस दल में है आज वो, किस राजनीतिक दल में, किस दल में है सैगर और चिमेनन जैसे लोग, किस दल में बताइए आप, बताइए भाजपा में है? हम तो कह रहे हैं हमारे दल में नहीं है, आप बताइए आप क्या हो तो आप बता दे,
हमारे यहाँ तो दो रुपए प्रति सदस्य भी नहीं है वो। सेगर और चिमेनन किस पार्टी में थे आप बताइए। सेगर तो समाजवादी पार्टी में रहे, कदी जी नहीं रहे। सर अभी भुवन जी अभी आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चांद बाबा की हत्या, बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के बावजूद भी आपने अतीक को टिकट दिया, वो आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीतते भी हैं, तब कानून व्यवस्था कहाँ थी? मैंने जो अभी प्रश्न करा, मैंने ये कहा कि क्या उनको कानून के द्वारा सजा दे दी गई थी, क्या वो सजायाफ्ता व्यक्ति थे? जनता की अदालत में आपको सजा पाने का इंतजार था तो फिर क्यों उसका टिकट काट दिया? जो आपने उसको श्रावस्ती से कानपुर भेजा फिर टिकट नहीं दिया? ये लगाए भी नहीं जाते, हटाए भी नहीं जाते, चिंता भी व्यक्त की जाती, आखिर रिश्ता क्या कहलाता है? समाजवादी पार्टी क्या कुछ इसी उहापोह में है? क्या अपराधियों के साथ कोई लगाव है अंदरूनी? क्या बात है बताइए। हमें हमें तो संविधान और लोकतंत्र की चिंता, आपको चिंता होगी अब तभी तो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते आपके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सहजाती लोग। ये आप तो आरोप लगा रहे हैं, आप गिरफ्तार करवा दीजिए। हमने तो हमने कराएंगे, सरकार तुम्हारी है, रहम नहीं किया, सरकार आपकी है, हमने तो कोई रहम नहीं किया। आप ये आप बचने की कोशिश कर रहे हैं जवाबों से। नहीं नहीं, जवाब देने से नहीं, आपको पूरा समझते हैं। नहीं आप बताइए, अतीक समझते हैं सारे विषय को, आज सरकार किस दिशा में चल रही है, आज आपके किसानों की हत्या करने वाले गृह राज्य मंत्री को बेटे पकड़ने में कैसे आपके आफत आ गई थी, कैसे सरकार कैसे किसान की हत्या करके कैसे गृह राज्य मंत्री के बंटा इतने दिन खुला रहा, न्यायालय करता तो क्या पकड़ा जाता? न्यायालय ने हस्तक्षेप करा ना, आपने भेजा जेल, आपने भेजा जेल, न्यायालय ने हस्तक्षेप करा तब जाके वो जेल गया। जेल में है, एसआईटी ने न्यायालय ने भेजा ना, आप लोग तो बचा रहे थे, आप लोग तो बचा रहे थे, विषय से बचा रहे थे भुवन जी, जब कानून ने हस्तक्षेप करा, जब विषय से भारतीय ने हस्तक्षेप करा तब वो जेल में गया। से समाजवादी पार्टी के क्या रिश्ते हैं? अरे आप रहने दीजिए, छोड़िए मैडम, अपने क्वेश्चन पूछने पूछिए मेरे से। अखिलेश यादव जी को क्या चिंता है? अखिलेश अतीक, मैं आपके लिए आंसरेबल नहीं हूँ जी। अंकुर सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव द्वारा अतीक अहमद को लेकर चिंता जाहिर की गई है और ये कहा गया है कि यूपी में कानून का राज नहीं है। देखिए मुस्कान जी, अखिलेश जी ने जो भी बयान दिया है ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय है वो उनके भी बयान के विषय में ज्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखेंगे जी। आपको क्लियर आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी अंकुर जी बताइए जी। तो भारतीय जनता वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ज्यादा अच्छे से माननीय अखिलेश जी की टिप्पणी के विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम अतीक अहमद के प्रकरण को देखते हैं तो ये हम इसको देखने के दो नजरिए होते हैं, दो दृष्टिकोणों से आप इस चीज को देख सकते हैं जी। एक दृष्टिकोण जो होता है आम आवाम का दृष्टिकोण होता है, जो आम आवाम का दृष्टिकोण है वो भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टिकोण को वोट बैंक के नजरिए से परिपूर्ति करती है और उसी आधार पर अपना बयान दे रही है। दूसरा दृष्टिकोण होता है संवैधानिक दृष्टिकोण या न्यायिक दृष्टिकोण। जो संवैधानिक दृष्टिकोण होता है या न्यायिक दृष्टिकोण होता है उसमें एक अभियुक्त होता है, उस अभियुक्त के भी अपने अधिकार होते हैं। जहां तक अतीक अहमद का आप सवाल ले रहे हैं, अतीक अंसारी का या अशरफ का आप नाम ले रहे हैं, अगर किसी प्रकरण में उनको माननीय न्यायालय के द्वारा दोषित कर दिया जाता है तब वो अपराधी घोषित होते हैं, अभी आज की डेट में वो लोग अभियुक्त। दूसरी बात है, अभियुक्त हैं चाहे अपराधी हैं, अगर अभियुक्त भी हैं और अपराधी भी हैं तो जो माननीय न्यायपालिका उस न्यायपालिका के द्वारा उनको चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए या उनको दोष मुक्त कर दिया जाए, ये माननीय न्यायालय के अपने डिस्क्रिशनरी पावर में है, जो तथ्यों के आधार पर अपना फैसला लेंगे। ऐसी स्थिति में उनके साथ जो भी अपराध के बाद विचारण का जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम पर सब लोग विश्वास करेंगे और सारे लोग उस परिणाम के साथ में आगे बढ़ेंगे जी। अब सवाल आता है माननीय अखिलेश यादव जी के बयान का, जो अखिलेश जी ने बयान कहा, जहां तक मैं ये बात समझता हूँ उनका साफ कहना है कि न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उस निर्णय का सब लोग सम्मान करते हैं और न्यायिक निर्णय के संज्ञान में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी चीज फलीभूत होती है तो उस पर किसी को भी किसी भी राजनीतिक दल को चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्तारूढ़ हो कोई भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए कल को किसी अभियुक्त के साथ, मैं अतीक की बात नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी अभियुक्त की बात कर रहा हूं,
उसके साथ में न्यायिक प्रक्रिया तो भिन्न तरीके से कोई भी कांड करके जो आम जन भावनाओं को लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बाद में कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की दोषमुक्ति के बाद जो घटनाक्रम घटित होगा उसके लिए किसकी जवाबदेही तय होगी? क्या प्रदेश सरकार ये मानने को तैयार होगी कि जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप उठ गया था? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, आप आरोप लगा रहे हैं कि अतीक अहमद जो है उनके ऊपर क्या कहते हैं उनको टिकट देके विपक्षी दलों ने गलत किया, तो मेरे भाई आप उस जनमानस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिस जनता जनार्दन ने अतीक को सांसद के रूप में चुना, विधायक के रूप में चुना। भाई मान लीजिए एक विपक्षी दल के रूप में किसी राजनीतिक दल ने अगर गलत टिकट वितरण किया है तो आप एडीआर की रिपोर्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए टिकटों में सबसे ज्यादा प्रतिशत जो आरोपित है, सबसे ज्यादा जो मुकदमे पंजीकृत है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यानी आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपराधियों को ज्यादा टिकट देती है। विवेक जी जवाब दीजिए। मुस्कान जी मेरा बात पूरी होने दीजिए, मेरा स्पष्ट आपसे ये बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब केवल अभियुक्त होने के आधार पर विपक्ष से सूचना की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक जो है चुने हुए उनके ऊपर दोषारोपण है। तो ऐसी स्थिति में विवेक जी कैसे ये बात कह सकते हैं कि केवल अभियुक्त होने के आधार पर हम किसी को टिकट ना दे? आम जनमानस ने जिस व्यक्ति को हमने टिकट दिया है अगर उसको माननीय सांसद या विधायक चुना है तो आप आम जनमानस की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए मुस्कान जी, अंकुर जी विषय से हटते हुए एडीआर की रिपोर्ट तक पहुंच गए। नहीं मैं विषय से कतई नहीं हटाऊ, मैंने आपकी भी बात समाप्त की, मैंने विषय से कतई नहीं हटाऊ। अहमद कोई सामान्य अपराधी नहीं है अंकुर जी, जिस अपराधी को सत्ता का संरक्षण हासिल हो और जिस सत्ता के संरक्षण में अपराधी फला फूला हो, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं बतौर मुख्यमंत्री, जिससे मुख्यमंत्री जिसके कुत्ते से हाथ मिलाने में गर्व महसूस करता हो उस पर सामान्य सिपाही दरोगा सीओ की क्या हैसियत के हाथ डाल पाए? सुन लीजिए बहुत ज्यादा पशु प्रेमी दृश्य मत दिखाइए। जिस तरह के अपराधी पर चर्चा हो रही है ये मामूली अपराधी नहीं है, ये सैम नेटवर्क का अतीक अहमद है, सिवान में सैयद शहाबुद्दीन, इलाहाबाद में अतीक अहमद, मऊ का मुख्तार अंसारी, ये आईबी और पुलिस की फाइलों में सैम नेटवर्क का अपराधी है। ये अपने आप में अपराध में एक सरकार है, सामान्य सिपाही दरोगा सीओ की बस की चीज़ ये नहीं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की का कलेजा है जो इसे अपराधियों पर हाथ डाल के इनको नेस्तनाबूद करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। नहीं आप लोगों की सरकारें होती तो आप इनके गोद में बैठे होते। मुख्तार अंसारी डीजीपी के ऑफिस में टहलता था पूरे लाव लश्कर के साथ मायावती के समय में, याद कर लीजिए, उद्देश्य भी इसी प्रदेश ने देखा है। इसी अतीक अहमद से मिलने नसीमुद्दीन जेल में मिलने जाते थे, तमाम सारे किस्से वो सब मत कलवाइए, समय इनके पास कम है मुस्कान जी के पास। विषय ये है कि ऐसे अपराधी के बारे में विपक्ष की चिंता क्यों है? आप बेरोजगारी पे बात करिए, मजदूर की बात करिए, किसान की बात करिए, अन्य विषयों पे बात करिए, अपने ओलावृष्टि जो बारिश हो गई उस पर बात करिए, किसानों की समस्याओं के बारे में बात करिए, लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं संडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अतीक अहमद आप बता रहे हैं कि वो अमेरिका की सेटेलाइट खींच लेगी, कैसे गाड़ी पलटी, ये वो, ये इस तरह से आप ये बात करके क्या जो टीम गई है उसको आप प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पहले रामगोपाल यादव का बयान, आखिर ये रिश्ते समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद से क्यों कर हैं? आप कहते हैं हमारा सदस्य नहीं है, ठीक हम मान लेते हैं, फिर क्यों दुखी है आप भाई उसके लिए? आपने उसको टिकट भी नहीं दिया, एक बार दिया हटा दिया, फिर भी आप चिंतित हैं, ये चिंता क्यों कर है? आप बताओ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता के हैसियत से आप बैठे हैं, आपको इसके बारे में संविधान की बड़ी चिंता है, इसके पहले इन लोगों ने वहाँ संविधान के पालन किए हैं क्या? संविधान के दायरे में ये मानने वाले लोग हैं क्या? राजू पाल के ऊपर जो गोली चली वो लोग संविधान का पालन कर रहे थे क्या? खुलेआम सड़क पर जिस तरह से गोली चली आई गई, पुलिस के दो जवान अपने उच्च कर्तव्य का क्षमता का पालन करते हुए अपनी शहादत दिए,
वो संविधान का पालन कर रहे थे कि संविधान का पालन कर रहे थे? विवेक जी, लेकिन सरकार तो आप ही की थी। अभी बीते दिनों जब 6 साल पूरे हुए तो आपने कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन कानपुर में मां बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और वहां पर प्रयागराज में खुलेआम हत्याकांड होता है, तब कानून का राज कहां था? पहली बात, अपने शब्दों में आप परिवर्तन रखे, किसी माँ बेटी को जिंदा नहीं जलाया गया। कोई अगर भावनात्मक रूप से स्वयं आत्मदाह कर ले तो ये पुलिस सर, वो आत्मदाह नहीं था, उसकी फुटेज सामने आई, हमने तस्वीरों में देखा, हमने वीडियो देखा है, किसी ने उनको पेट्रोल छिड़कते किसी ने देखा है कि वो माँ बेटी घर में थी और घर के बाहर से आग लगाई गई है। दरवाजे बाहर से कोई लगाते हुए अंदर दरवाजा बंद करके, चलिए ठीक है सर, लेकिन उमेश पाल के ऊपर, उमेश पाल हत्याकांड में तो खुले खुले दिन दहाड़े गोली चली, उसका क्या? तो उमेश पाल की जिन अपराधियों ने हत्या की, जिसने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी, जिस पुलिस की सुरक्षा में हम आप सब हैं, उसके इकबाल को जो लोग चुनौती दे रहे हैं, आप किसान भूत उनसे क्यों है? जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके परिवारों के साथ आज आप क्यों खड़े नहीं हैं? वही पुलिस आपके समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे भी सुरक्षा देती है, हमारे कार्यालय पे भी सुरक्षा देती है, राष्ट्रीय लोक दल के भी नेताओं को सुरक्षा देती है। आखिर आपकी भावनाएं उन पुलिस के जवानों के साथ, उनके परिवारों के साथ क्यों नहीं है? क्यों अति कैसे अपराधी की आप चिंता कर रहे हैं? यही बार बार पूछ रहा हूं कि रिश्ता क्या कहलाता है। जी भुवन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अगर आप असफलता पर प्रश्न करोगे तो इनकी आवाज ऐसी होगी, ये विपक्ष को दबाने की कोशिश करेंगे, चौथे स्तंभ लोकतंत्र को स्तंभ का अभी मैं बधाई हो के आया, इनके जो मुख्य, इनकी जो शिक्षा मंत्री है गुलाबो देवी, वहां इन्होंने एक पत्रकार को जेल भिजवाने का काम करा, अगर विकास के ऊपर प्रश्न किया, उस गांव में खंडवा गांव है, मैं वही होके आ रहा हूँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ इनकी नीति और नियत क्या है। पत्रकार आपने प्रश्न करा, आपको धमकाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको धमकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कानपुर की वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी, आपके प्रशासन ने, योगी प्रशासन ने उसको, उनको माँ बेटी को मारने का काम करा, हत्या करने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके दिन दहाड़े जो बना, जो इलाहाबाद में जो बम फटे, वो आपकी गोलियां चली, वो निश्चित तौर पर आपके प्रशासन शासन की पोल खोलने का काम करते हैं, इंटेलिजेंस आपका फेलियर है, आपकी जो इस तरह की जो घटनाएं होती है, आपके इंटेलिजेंस को फेल करके आप विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारों को दबाने का काम कर रहे हैं। अभी संबल की जो घटना बता रहा हूँ, राजू पाल के समय जो गोलियां चली थी वो क्या समाजवादी सरकार का फ्लोर था? कह दीजिए आपकी आपकी जो देवी, कह दीजिए उसने पत्रकार को जेल भिजवाने का काम, जो राजू पाल के हत्या के समय इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा के उसको गोली मारी गई समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, वो भी आपके सरकार का फ्लोर है? ये भी यहाँ लगे हाथ कह दीजिए, हम मान लेंगे ये फ्लोर है। लोकतंत्र चौथा का चौथा स्तंभ हम मान लेंगे, आप बोलिए, आप दबाने का कर रहे हैं, आप बोलिए ना, आज प्रदेश और देश में अघोषित लोकतंत्र, आप बोलिए, अघोषित ये विधवा विलाप मत करिए। राजू पाल के समय जो उसके ऊपर शहर में दौड़ा दौड़ा के गोलियां चली, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो भी क्या समाजवादी सरकार का फ्लोर था? अघोषित आपातकाल है, ये कहानी मत बताइए, विषय में बात करिए, आप कहिए वो फ्लोर था, आप भी मान लेंगे कहा फ्लोर था, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? आपसे प्रश्न करने का काम करता है, ये लारा लप्पा मत गाइए, विषय में बात करिए, आप लोग जो इस समय जो विषय पे बात करिए, कर दिया विषय से बात करिए, अडानी पास मत पहुंच जाइएगा, विषय बात करिए। देश का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर निश्चित तौर पे आपातकाल, एक इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित आपातकाल की स्थिति, ये विषय पे बात करिए, आपातकाल लगा होता तो आप इस तरह से बोल ना पाते बैठ करके, देश में निश्चित तौर पे आप हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये तो कह रहे हैं कि 2023 में आपातकाल लगा है, लेकिन 2005 में आपकी सरकार थी, तब प्रयागराज में खुलेआम गोलियां चली थी, दौड़ा के मारा गया था, तब आप भी अपनी गलती स्वीकार करिए। मैडम इनके दूसरा कार्यकाल है, ये दूसरे कार्यकाल को भी अपने लोगों के पुरानी सरकारों की गलतियों से, वो तो साफ कह रहे हैं, आप अपनी गलती माने, वो अपनी गलती मान लेंगे, इस बार बहुत मजबूत। अरे आप कहिए तो सही, भुवन जी आप मान लीजिए 2005 में आपकी गलती थी, 2005 में राजू पाल के ऊपर शहर में दौड़ा दौड़ा गोलियां चलाई गई थी, बोलिए ना, प्रयागराज में 2005 में देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में अघोषित आपातकाल कर दिया है, विपक्ष के नेता पत्रकार सब इसकी चपेट में है, चोर चपेट में है, अपराधी चपेट में है, बगल विपक्ष के नेता चोर है तो है चपेट में, अपराधी तो आप अपने टॉप 100 लिस्ट जारी करिए, लोकमान्य अखिलेश यादव, अगर आप जैसे भ्रष्टाचारी अपराधी चपेट में है तो आप कुतल है,
अतीक जैसे अपराधियों के लिए अगर आपको दर्द है तो आप भी अपराधी हैं। जनता पार्टी में समय अतीक जैसे अपराधियों का अगर दर्द समाजवादी पार्टी की मुखिया को है, समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। अधिकतर मंत्री तो गंभीर आप विषय पे बात ही नहीं कर रहे, आप तो भाग रहे हैं विषय से। मैं तो आप तो बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ, आपके सारे अधिकतर मंत्री आपराधिक मामले गंभीर लगे हुए हैं। ये हमारी सरकार ने MPMLA कोर्ट का गठन किया है, लगातार सजाएं हो रही है, MPMLA निवार हो रहे हैं। टॉप टेन की लिस्ट हमारी सरकार ने किया है। ज्यादा अगर आप तो गोली बैठाते थे किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारी सरकार ने MPMLA कोर्ट का गठन किया है, लगातार फैसले आ रहे, सजाएं होती जा रही है। आप कहिए ना कि 2005 में बताने पे, आप अभी कानपुर की घटना बताने पर पत्रकार महोदय को धमकाने का काम कर रहे थे। ये आप इसे घुमाइए मत, विपक्ष को धमकाने का काम किसी ने जलाया नहीं, उन्होंने स्वयं आत्महत्या का प्रयास किया। देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये आपातकाल होता तो आप बैठ करके इस तरह बोल न पाते। आपातकाल को याद करके तब बात करिए ना, आप विपक्ष को दबा रहे थे, पत्रकारों को दबा रहे थे। आपातकाल के दृश्य को याद करिए, कोई अगर नारा लगा देता था, पत्रकार को विकास कोई अगर नारा लगा देता था, भिजवाने का काम करा, ये अघोषित आपातकाल है, पत्रकार ने विकास का प्रश्न करा। कोई अगर नारा लगा देता था, इंदिरा गांधी चोर उसको पत्रकार का, ये हल्ला बिगड़ मत लाइए, विषय पे बात करिए, गंभीर विषय है, ये काम आप डिबेट पे बात करिए। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं है, और नेता भी बस के हल्ला समाजवादी पार्टी कार्यालय बन रहा है। मेरा सवाल भुवन जी मेरा सवाल विवेक जी से है कि इतने बड़े अपराधी को हम साबरमती जेल से यहाँ पे ला रहे हैं, अगर हम आंकड़ों पे जाए तो 2019 की बात करें तो जम्मू और कश्मीर से आगरा में तकरीबन 30 कैदियों को एयरलिफ्ट किया गया था। अभी आपने खुद कहा कि एक बेहद ही बड़े अपराधी हैं, तो आखिर इनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये पुलिस का अपना निर्णय है, किसको एयरलिफ्ट करे, किसको किस रास्ते लाए, ये उनका विषय है। ये हाई प्रोफाइल अपराधी, इसको पूरी एक टीम गई है लेने, उतनी बड़ी टीम को एयरलिफ्ट करा के ले आना हो सकता तकनीकी तरीके से संभव ना हो, और जहाँ पे ये बंद है वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था भी नहीं है कि वहाँ एयरपोर्ट वगैरह हो, वहाँ से इसको ले आएंगे एयरपोर्ट तक, तो उसमें भी साधन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि STF ने सीधे इसको लाने का निर्णय लिया हो, ये उनका निर्णय है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पुलिस टीम डिसाइड करते कि किसको कैसे ले आना है, परंतु ये अपराधी है और बहुत खतरनाक अपराधी है, समाज के लिए नासूर है। इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरह से चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए। अगर कोई लोग चिंतित है तो उनके भी रिश्ते प्रश्न के दायरे में कि आखिर वो इसके लिए चिंतित क्यों है। एक अपराधी जो समाज के लिए समस्या बन चुका है, जो जेल से भी अपराध को अंजाम दे रहा है, चाहे देवरिया जेल का कांड हो, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये उमेश पाल के हत्याकांड हो, इसमें भी जिस तरह से इसके सूत्र निकल रहे हैं वहाँ से, ये सब चीज़ें हैं कि ये व्यक्ति समाज के लिए समस्या बन चुका है। अब ऐसी समस्या के लिए अगर कोई एक राजनीतिक दल का मुखिया चिंतित है, तो ये उस राजनीतिक दल के खुद के आचरण और उस मुखिया के भी आचरण को प्रश्न के दायरे में लाता है। इसलिए इस प्रश्न को भुवन जी को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इससे इतर भाग करके इधर उधर के ढोल बजाने से कोई फायदा नहीं है, ये नेशनल चैनल की डिबेट गंभीरता से बात करें। जी विवेक जी, मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरीके से अतीक लगातार ये डर रहा है कि उसको मार दिया जाएगा, उसकी गाड़ी पलट जाएगी, और उसने सीधे तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार में जो मंत्री है वो मेरी गाड़ी को पलटवा देंगे, मेरी गाड़ी पलट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। देखिए, कोई भी अपराधी जब पुलिस के शिकंजे में फंस रहा होता है तो इस तरह के वो अल्लाह मचाता है, तौबा करता है। कानून है, कानून का राज है सर। अगर कानून का राज है तो अभी तक उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी कहाँ है? नहीं, बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, उसमें कुछ एनकाउंटर हुए, कुछ की ढुंढाई चल रही, उन्हीं को ढूंढने के लिए उसको लाया जा रहा है कि यही बताएगा, मुख्य सूत्रधार तो यही है उस पूरे घटना का, यही बताएगा कौन कहाँ छिपा, कौन कैसे गए, इसीलिए तो इसको स्टेप लेने गई है, क्योंकि इतनी दूर था, इतनी जेल में था, इसका एक लीगल प्रोसेस है, उसी को करने के बाद इसको वहां तक एसटीएफ पहुंच पाई इसको लाने के लिए। लेकिन सर, कितने कितने लोग तो सीएम योगी आदित्यनाथ से इनकी पत्नी ने गुहार लगाई, उसके बावजूद वो खुद लापता हो गई, तो जो लोग आपके आंखों के सामने थे, जब वो आपकी आंखों से अगले दिन ओझल हो जाते हैं,
तो फिर क्या हम कानून व्यवस्था पर भरोसा करें? देखिए मुस्कान जी, ये बहुत बड़ा अपराधी नेटवर्क चलाने वाला व्यक्ति है और इसके मददगार जब समाजवादी पार्टी के मुखिया जैसे लोग हैं तब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसके मददगार कौन कौन होंगे। जब तक ये खुद शिकंजे में नहीं आएगा और सबके नाम नहीं बकेगा तब तक इसके पूरे नेटवर्क को तलाश करके नेस्तनाबूत करना इतना आसान काम नहीं है। ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। एक समय था जब कल्याण सिंह जी के समय मुख्तार अंसारी को ढूंढने पुलिस गई तो भाग करके हरियाणा के मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में छिप गया। यूपी पुलिस वहाँ से बैरंग लौट आई। ये तो इस बार का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी ने पंजाब से भी मुख्तार अंसारी को ढूंढ निकाला। आपने खुद देखा होगा कि कितना रुपया पंजाब में कांग्रेस सरकार ने मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर दिया कि यूपी न जाना पड़े। अगर एक एक स्टेट की सरकारें अपराधियों को इस तरह से संरक्षण देने का कार्य करेंगी तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी का ये कलेजा कि वो इस तरह के अपराधियों को ढूंढ ढूंढ करके मट्टी मिलाने काम कर रहे हैं। लेकिन इन अन्य जो राजनीतिक दलों की सरकारें उनको भी ऐसे आचरण से बचना चाहिए और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने से बाज आना चाहिए। जी भवन जी, देखिये मैं कहना चाहता हूँ 30 करोड़ लगभग 30 करोड़ का हमारा उत्तर प्रदेश है और एक माह होने के बाद भी अपराधी सरकार की गिरफ्त से दूर है। अब इस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि विपक्ष उनकी पीठ थपथपाए और जो लोग हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो इनकी पीठ थपथपाए, तो ये भूल में है। आपका फेलियर है इंटेलिजेंस का, आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बताने का काम करता है, आपके पुलिस बल की बताने का काम करता है कि वो लोग फेल है, इसलिए अपनी गलतियों को माने और प्रदेश और देश से माफी मांगने का काम। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा के उसके ऊपर 3 जगह गोलियां चलाई गई। जब तक वो मर नहीं गया, अपराधी मुतमइन नहीं हो गए कि वो मर गया, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा गया। आप कह दीजिए कि वो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी सरकार का फेलोरेंस था, मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लूँगा कि ये यूपी पुलिस का फेलोरेंस है जो उमेश पाल की हत्या हो गई, मैं तुरंत स्वीकार करूँगा। आप कहिए है आप नैतिक सुनिए सुनिए गाना मत गाइए, आपसे बहुत तेज बोल सकता हूँ। तेज नहीं, ये लारा लप्पा गाने के लिए मत बैठिए, आप विषय में बात करिए। अरे सुनिए सुनिए बताइए, ज्यादा ऐसे तेज बोलने से मैं तुमसे तेज आवाज है मेरे पास, तेज आपसे तेज आवाज है मेरे पास। आप तेज बोलो लेकिन विषय में बात करो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि विपक्ष आपकी जो बिल्कुल मट्टी मिलाएंगे, जेल भिजवा रहे हैं आप अपराधियों की गोद में खेलना चाहते हैं, उनको मट्टी मिलाना चाहते हैं, हमारी आपकी लड़ाई है। अरे आप कहां मट्टी में भिजवा रहे हैं, आप क्या तो अभी देखिए कैसे मट्टी मिलाएंगे अपराधी। आप अपनी जारी करिए, टॉप 100 की टॉप 100 जारी करिए, आपके निकलेंगे सारे अपराधी। अरे निकलेंगे तो भी जाएंगे, जारी करिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के निकलेंगे, आपके मंत्री जाएंगे, आप परेशान ना हो सरकार के। भुवन जी, लेकिन विवेक जी ने कहा कि अगर आप 2005 में राजू पाल के हत्याकांड को अगर अपनी सरकार का फेल्योर मान लेते हैं तो वो 2023 में उमेश पाल के हत्याकांड को भी अपनी सरकार का फेल्योर मान लेंगे। मान लीजिए आप तो वो भी मान लेंगे, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, फिर आप उसको अपोचित। पहले राजू पाल बने थे, पहले उमेश पाल बने थे, आज हमने प्रश्न करा तो ये फेल राजू पाल बने थे कि पहले उमेश पाल बने थे, कौन पहले बना था बताओ। आप मानिए पहले, क्यों भाई मानिए पहले अपना, क्यों भाई सर, इस काल की शुरुआत 2005 से हुई, पहले आप मान लीजिए तो वो भी मान लेंगे। 2023 को दोबारा टिकट दिया, आप क्या संविधान की रक्षा कर रहे थे? इनके फेलियर पर विपक्ष जो है इनकी पीठ थपथपाए, अपराधियों के गोद में खेलने की कोशिश ना करो, जितना चाहते हैं अपना काम करने दो, संभल में जेल भेजने का काम करा पत्रकार संजय राणा को। देखिए अपराधियों के गोद में खेलने का काम ना करो, विकास क्यों नहीं हुआ, जो आपने वादे थे वादे पूरे नहीं कर दिए, उसको जेल भिजवा दिया पत्रकार को आपने, अपराधियों की गोद में खेलने की कोशिश ना करो। आपने पत्रकार को जेल क्यों भिजवाया, वो तो अपराधी नहीं था, आपने जेल क्यों भिजवाया बताइए आप मेरे को। विषय हमारा है अतीक अहमद को आज लाया जा रहा है, आप मुद्दे से बार बार भटक रहे हैं, हम आपको मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है विवेक जी द्वारा कि आप अपनी सरकार का फेल्योर मान लें,
हम मान लेंगे हमारा फेल्योर है, और आप तो यही चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो अपनी गलती मान ले, तो आप भी मान लीजिए, वो भी मान लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, एक पत्रकार, हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके आपकी लड़ाई ना लड़े जी। मैं पूछ रहा हूँ मैडम आपसे, आपकी लड़ाई लड़े ना लड़े, आप वो पत्रकार था संजय राणा संबल में, मैं उसके गांव होके आया हूँ, कल वापिस आया हूँ। गुलाबो देवी ने उसको प्रश्न मंत्री प्रश्न पूछा उसने कि गांव में जो आपने वादा करा था, जो विकास का वादा करा था भारतीय जनता पार्टी की मंत्री ने, उसको जेल भिजवाया। ये हम अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आपकी लड़ाई को लड़ने से काम कर रहे हैं। इनमें माफी ये लोग मांगे, पत्रकारों से माफी मांगे और उन लोगों से माफी मांगे जो इनकी वजह से परेशान है। युवा परेशान है, परीक्षा लगातार लीक हो रही है, पर युवा विद्यार्थी परेशान है, यहाँ पर किसान परेशान है। आपने किसानों की हत्या करवा दी, अति की चिंता अखिलेश यादव पर, किसानों की हत्या करवा दी आपने, अखिलेश को परेशान अति की चिंता में, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए भुवन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, हमारा रिश्ता इस देश के कानून से है, इस देश के संविधान से है, समाजवादी मूल्यों की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। ये गाड़ी पलटाने में, ये लोग बुलडोजर चलाने में, पत्रकारों को धमकाने में, पाल की हत्या के बाद अशरफ को टिकट दे के समाजवादी गुंडे उसको जाके चुनाव जिता रहे थे, मुलायम सिंह इलाहाबाद पश्चिम की सड़कों पर घूम घूम कर वोट मांगे थे, और संविधान की रक्षा कर रहे थे अशरफ को जिताने के लिए। जी अंकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, इतनी देर से मैं भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को सुन रहा हूँ लगातार, एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारे दिल में चोर नहीं है तो हमें किसी के भी आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता है जी। हम लोग चाहते हैं कि अतीक अंसारी चूंकि चुनी हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे, और तो अंकुर जी आप करेक्ट कर लीजिए, अतीक अहमद का उसका जी, अभी आपकी बातों को सबने सुना, अंकुर जी को बोलने दीजिए, मैं इंटरप्शन नहीं करता। अरे अतीक अहमद का उसका जिस तरीके से चर्चा नहीं होती है आपको सुनना पड़ेगा, अगर आपने बोला तो फिर आप अंकुर जी की बातों को भी सुनेंगे। बोलिए अंकुर जी, अतीक अहमद नाम तो सही ले लें भाई, अतीक अंसारी बता रहे हैं, नाम नहीं सबको सही मालूम है। आप बात सुनिए, अगर डिबेट में बैठे तो बात, उसका नाम अतीक अहमद है, अतीक अंसारी नाम नहीं उसका, अतीक अहमद नाम है, मैं नाम सुधारने के लिए कह रहा हूँ आपसे। मैं पूरी बात कह रहा हूँ, पूरी बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी भावनाओं का ख्याल रख रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। देखिए, अगर हमारे दिल में चोर नहीं है तो हमें किसी के भी आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम लोग तो चाहते हैं वो माननीय न्यायालय में उपस्थित हो और अपनी बात को रखे, और अगर उसने कोई इस मामले में वो आरोपित है या अभियुक्त है तो कोर्ट अपना जजमेंट दे और उसको पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। लेकिन अगर उनके साथ कोई दुखद घटनाक्रम घटित हो जाता है तो फिर तो ये प्रशासनिक मशीनरी पे सवाल उठ जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठ जाएगा कि किन लोगों को बचाने के लिए उसका इस तरीके का एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि जनरली होता तब है जब बड़े मगरमच्छों का हाथ होता है तब छोटी मछली कुछ कर पाती है। अब आज की डेट में अगर अतीत के ऊपर कुछ हो जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार में किन लोगों का उसको बर्दाश्त प्राप्त है, आज की सरकार में उन लोगों के ऊपर भी तो प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो उनका तो जीवित आना भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से प्रशस्ति पत्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, और अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि किस रात को दबाने के लिए अतीक अहमद के साथ में इस तरीके का घटनाक्रम घटित हो गया। जी विवेक जी बताइए कि अगर वाकई में अगर उनको सड़क के रास्ते तो लाया जा रहा है, लेकिन अगर उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है या उनकी गाड़ी पलट जाती है, किसकी गलती होगी? देखिए मुस्कान जी, मौत किसी को फोन करके नहीं आती, लेकिन जब सरकारी कस्टडी में होते हैं तो कस्टोडियल डेथ की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जांच होगी, जांच के बाद देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं होता, भी आने तो दीजिए। तो आप काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदर से, आप दुबले क्यों हो रहे हैं भाई? हम दुबले, आपको किस बात का दर्द है? दुबली तो सरकार हो रही है, सरकार कहाँ दुबली है? बचाने के लिए भाई, सरकार उस अपराधी को लेके आ रही है, परेशान आप है, सरकार तो परेशान नहीं है भाई। आप माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में बैठ के बयान दे रहे हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। बिल्कुल मिलाएगी मिट्टी, क्यों नहीं मिलाएगी? लगातार टीवी चैनल पे बैठ के
मिट्टी मिलाने की क्यों नहीं मिला रही मिट्टी में? अपराधियों को पालने का भारतीय जनता पार्टी का रीति सिद्धांत नहीं है। पार्टी कुछ बड़े चेहरों को बचाना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी। ये बचने बचाने का खेल समाजवादियों का होता है, यहाँ यहाँ मिट्टी मिलाने का काम होता है। विवेक जी, अभी आपने जिक्र किया कि मौत कभी भी आ सकती है, आपके इस बयान से क्या माना जाए कि एनकाउंटर का चक्रव्यूह रच दिया गया है? देखिए, मैंने ये सीधे सीधे कहा कि मौत किसी को फोन करके नहीं आती, वो आ रहा आने दीजिए, उससे स्त्रीय पूछताछ करेगी, राज निकालेगी, तमाम चीजें सूत्र ढूंढे जाने, कहाँ कहाँ सब अपराधी भागे हुए, कौन कहाँ कौन छिपा हुआ है, लंबा होमवर्क करना स्त्रीय, उसको काम करने दीजिए। काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे से? अरे अभी कुछ हुआ नहीं, आप लोग दुबले हुए जा रहे हैं अतिकामत के लिए। अरे दुबले भी होते, आप अपनी बात रख रहे हो, विपक्ष अपनी बात रख रहा है। क्यों दुबले हैं? अरे आप कहिए ठीक है, मेरे भाई दुबले नहीं है, कहिए कुछ अपराधी को आने दीजिए, देखा जाएगा। आप तो दुबले और मोटे की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हम लोग लोकतंत्र की बात काहे के लोकतंत्र भाई? अरे लोकतंत्र जो अपराधियों से बचेगा, इसी सरकार किसको बचाना चाहिए? इसी अपराधी के बचने से लोकतंत्र बचेगा, यही 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 आरएलडी का लोकतंत्र है। उसके जीवित रहने से किसका चेहरा? यही आरएलडी का लोकतंत्र है, अपराधी के बचने से लोकतंत्र बचेगा? नहीं, इसी पे लोकतंत्र की झुरी टिकी है क्या? कौन बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में? किन लोगों का हाथ उसके ऊपर था? भाई मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसी पे लोकतंत्र की झुरी टिकी हुई है? आप चाहते नहीं हो, आप चाहते ही नहीं हो कि अंतिक अंतारी कोर्ट के आपके खुद के दलों में लोकतंत्र का अभाव है, और लोकतंत्र की दुहाई देते देते आप थके जा रहे हैं। आप लोगों को, आप लोग चाहते ही नहीं हो ना कि वो जीवित अवस्था में कोर्ट के सामने कोई बात रखे, और आप कह रहे हो ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, ये आप कह रहे हो, तो आप ये हम नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हो। हम लोग तो आपकी बात को दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? ये बात कही, हम लोग तो दोहरा रहे हैं। यार अपराधी यार आने दीजिए, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जो करेगी करेगी, पुलिस का काम है, ये हमारा आपका काम थोड़ी है। अपराधी के बारे में इतनी चिंता करे, हमारी चिंता छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो कंधार में आतंकवादियों को रेड कार्पेट पे बैठा के छोड़ के आई थी। देश अभी इनके इतिहास को भूला नहीं है। इन लोगों का क्या आतंकवादियों के प्रति आचरण था वो सारा देश जानता है। कब ये किससे हाथ मिला ले कश्मीर में, कब किसके साथ अलग चले जाए, इनके आचरण को देश और प्रदेश समझ चुका है। जी बताइए विवेक जी। देखिए मुस्कान जी, अभी ये भाग करके और दूर चले जाएंगे, विषय पे बात नहीं करेंगे। गनीमत कंधार तक गए, थोड़ा और जिनपिंग और नवाज शरीफ तक नहीं चले गए, जहाँ की इनकी पार्टी है, जो इनके अखिलेश यादव जी की चिंता है, जिस तरह के इनके अपराधियों से रिश्ते हैं, क्यों रामगोपाल जी को चिंता उसकी, क्यों अखिलेश जी को चिंता है जी? क्या वही अपराधी लोकतंत्र की धुरी है? क्या उसी के जीवित रहने से लोकतंत्र जीवित रहेगा? क्या उसके मर जाने से लोकतंत्र मर जाएगा? क्या उसके जीवित रहने से न्यायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, या वो नहीं रहेगा तो न्यायिक व्यवस्था अपनी जगह से, न्याय का तराजू हिल जाएगा, जिस तरह से हमारी चिंता अंकुश सक्सेना जी की, हमारे मित्र की। तो इन लोगों की चिंताएं देख करके मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आखिर हमारे विपक्षी दल के लोग एक ऐसे अपराधी के लिए चिंतित है जिसके खजाने में या जिसके हिसाब में 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, बलात्कार से लेकर के एक से एक दुर्दांत तरह के हत्याओं के आरोप हैं, और उस पर इस तरह के लोग दुखी हो रहे हैं। अरे अभी कुछ हुआ नहीं, वो आया नहीं, आ जाने दीजिए, पूछताछ होने दीजिए, यूपी पुलिस का काम है, एसटीएफ का काम है, उससे क्या क्या चीज़ें निकाल पाती है, क्या उनके काम किए, क्या वो उसका उस वो काम का है, ये उस पुलिस का देखना काम है। इसके लिए हम आप चर्चा करके अपना इतना समय खराब करें, और एक अपराधी के लिए इतने चिंतित हो गए आप बैठे हुए हैं, या हमारे आप जैसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन विवेक जी, ये आप ही की सरकार में जेल में अपराधियों से चोरी छुपे मुलाकात होती थी, तो आज भी सरकार आप ही की थी, तो अब विपक्ष पर तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपके राज्य में भी कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं थी, तभी जेल के अंदर अपराधियों से चोरी छुपे मुलाकात हो जाती है, सीसीटीवी नहीं जेल के काम करते हैं। जहाँ जहाँ इस तरह की जाँच में विषय आए, हमारी सरकार ने उनको पकड़ पकड़ करके जेल भेजने का काम, सस्पेंड करने का काम परवीन का है, फिर सब किया है। शाइस्ता परवीन किधर है? अतीक अहमद को आ जाने दीजिए, शाइस्ता परवीन भी पकड़ में आ जाएंगी,
मेन गुर्गा जब हाथ में आ जाएगा, जब पूछताछ होगी तो सब के सब अपने अपने बिलों से निकल आएंगे। शाइस्ता परवीन, तो आपके उत्तर प्रदेश में रहते रहते ही छू मंतर हो गई बयान देने के बाद। ये सारे इसीलिए तो अतीक को लाया जा रहा है, पुलिस पकड़ के ले आ रही वहां से। तो अगर आप शाइस्ता को पहले ही पकड़ लेते तो अतीक को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर जिस दिन शाइस्ता परवीन ने बयान दे रही थी उस दिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं था, उसके ऊपर कोई ऐसी जाँच एजेंसियों की सुई नहीं घूमी थी। धीरे धीरे जब तक चीजें उसके तरफ इशारा करने लगी तब तक गायब हो गई। लेकिन अब जब मुख्य अभियुक्त हमारी पकड़ में आ गया है, पूछताछ होगी तो सारे ये जितने भी बिलों में घुसे हुए सांप सब निकल आएंगे। जी धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेल से आज अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, ऐसे में 36 घंटे का लंबा सफर होगा और उनका मेडिकल भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द अतीक प्रयागराज पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से अतीक लगातार ये डर जता रहे हैं कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उनकी गाड़ी पलट सकती है, उन्हें मारा जा सकता है, ऐसे में अब इस सवाल का जस का तस बना हुआ था, क्योंकि लगातार हमने बातचीत करते हुए जानने की कोशिश की लेकिन हमें सवाल का जवाब नहीं मिल पाया जो हम जानने का प्रयास कर रहे थे। हमारी आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।